तो सालों से मेरा चैनल हैक करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल नहीं, मेरा इंस्टाग्राम भी हैक करने की बहुत बार कोशिश हुई है। नहीं मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना, मेरा चैनल हैक करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट खोल के रखा है जिसपे लोग कंप्यूटर में बैठते सिर्फ मेरा चैनल हैक करने के लिए। तो भाई ये कैजुअल वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि कल मेरे को फिर से एक मेल आया, एक हैकर का मेल आया। मैं तुम लोग को डिटेल्स बता देता हूँ कि वो मेल में क्या था। तो मेरे को मेल आया एक नाम से, और नाम भी क्या था, मिया। और भाई अब ऐसा नाम हो तो लोग खुद ब खुद अपना चैनल लुटा दे। तो भाई नाम था मिया शोक्रॉफ, और उसका मेरे को मैसेज आया, हेलो आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डेवलपिंग कंपनी, वी आर क्रिएटिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर बिजनेस गेम्स प्लेटफॉर्म एंड अदर थिंग्स बेस्ड ऑन क्लाउड सर्वर्स, नाउ वी हैव क्रिएटेड ब्ला 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 ब्ला, वी वॉन्ट टू कॉपरेट विथ यू ऑन म्यूचुअली बेनिफिशियल कंडीशन, इफ यू आर इंटरेस्टेड वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू। और अभी तुम्हारा भाई प्रमोशन दिखा नहीं तो यस भाई इंटरेस्टेड, लेकिन मैंने उसको बोला गिव मी मोर डिटेल्स ऑन। तो मैडम ने बताया व्हाट इज द वर्क, यू मस्ट शो हाउ टू इंस्टॉल आवर एप्लीकेशन, टेल व्हाई इट इज नीडेड एंड हाउ इट वर्क्स, द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी इज 30 seconds, द एडवर्टाइजमेंट शुड इंक्लूड अ ब्रीफ ओवरव्यू, इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशन इट्स वर्क। मतलब भाई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जो बकचोदी मैं वो चैनल पे दिखाता हूँ ना प्रमोशंस की, बेसिकली वही करने का है। और पे कितना कर रहे हैं, $1200। $1200 मतलब 85,000 रुपीज सिर्फ। मैं बोला भाई इसको तो लेना ही पड़ेगा, ये डील को लेना पड़ेगा। मैं बोला 85,000 रुपीज भाई, मतलब कमाल हो गया। मैं बोला भाई फॉरेन कंपनी है, चलो 85,000 शायद पे करे, अपने इंडिया वाले तो 10-15,000 से ज्यादा पे करते नहीं है। भाई तुम्हारा हो गया लालची। तो उसने बोला पेमेंट के होंगे दो ऑप्शन, वन यू शूट अ वीडियो शो इट टू अस, वी मेक अ पेमेंट एंड यू पोस्ट इट, सेकंड व्हेन यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन यू विल बी गिवन अ यूनिक की, इट विल बी इन द सेटिंग्स, यू सेंड इट टू अस, वी पे यू 50% एंड यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, द रिमेनिंग 50% आफ्टर यू पोस्ट। मैंने बोला श्योर साउंड्स ग्रेट। तो यहाँ पे मैडम ने मेरे को एक वर्ड का डॉक्यूमेंट भेजा, साउंड्स गुड, आई एम अटैचिंग अ डॉक्यूमेंट विद अ लिंक टू द साइट एंड द डिटेल्स। लेकिन फिर भी मेरे को वो बात खटक रही थी वहाँ पे, जो वो लोग को एक की चाहिए था। तो मैंने उसको पूछा कि व्हाट इज द की एंड व्हाई डू यू नीड इट। तो उसने बोला तुम्हारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, अगर तुमको की नहीं देना है तो तुम नॉर्मल वीडियो शो करके पेमेंट भी ले सकते हो। यहाँ पे भाई मेरे को थोड़ा शक होने लग गया, मैं बोला ये क्या सीन है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं डेडिकेटेड वीडियो तुम लोग को नहीं बना के दे सकता, मैं मेरे वीडियो के बीच में इंटीग्रेशन डाल सकता हूँ। फिर भी तुम्हारे भाई के दिमाग में तो 85,000 ही घूम रहे थे, क्या पता भाई असली का प्रमोशन और मैं अपनी ओवर स्मार्टनेस में इसको छोड़ दूं। तो भाई फिर मेरे को जो आंटी ने वर्ड का डॉक्यूमेंट भेजा था वो मैंने खोला, उसमें लिखा था कि काम क्या करना है, वी वॉन्ट टू हियर सिक्योरिटी, VPN हेल्प्स टू एनक्रिप्ट डेटा एंड क्रिएट्स अ सेफ एनवायरनमेंट फ्रॉम इंट्रूडर्स, स्पीड व्हेन यूजिंग आवर एप्लीकेशन द स्पीड डज नॉट ड्रॉप एट ऑल, वी हैव पावरफुल डेटा सेंटर्स, फ्रीडम, नो वन विल बी एबल टू मॉनिटर योर ट्रैफिक। मतलब बेसिकली ये तीन चीज इनको चाहिए थी कि मैं वीडियो में बात करूं। और यहाँ पे भाई एक लिंक भी है जिसका नाम है myninjavpn.com। तो भाई मैंने गूगल करके देखा और गूगल पे भाई माई निंजा वीपीएन का कोई नामो निशान ही नहीं। आई निंजा मिल गए, वो निंजा मिल गए, ये निंजा मिल गए, माई निंजा वीपीएन मेरे को किधर भी नहीं मिला। और तो और भाई ये आंटी ने अपनी कंपनी का नाम भी नहीं बोला मेल में। तो उसके बाद भाई मैं समझ गया ये लक्ष्मी चिट फंड वाला काम कर रहे हैं। तो मैंने आंटी को पूछा कि आप मेरे को कोई रेफरेंस वीडियो भेज सकते हो क्या जिसमें कोई और यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया हो, क्योंकि भाई को तो चाहिए था 85,000। तो मैडम ने बोला नहीं, हमने अभी अभी इसको लॉन्च किया इसलिए अभी तक किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया, क्या आप इसे प्रमोट करके दोगे। मैंने बोला भाई सर पे चूतिया लिखा है क्या। फिर मैंने इसको क्या बोला, मेरी टीम $2,000 मांग रही है, हम लोग एक्चुअली बहुत गरीब आदमी है, तो $2,000 दे सकते हो क्या। $2,000 मतलब $1,42,000। और भाई गेस व्हाट, आंटी मान गई 1,40,000 रुपए देने को। वी ऑलरेडी पे वेल फॉर अ शॉर्ट वीडियो, व्हेन विल यू गेट स्टार्टेड। तो फिर भाई मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया। फिर आंटी का वापस मैसेज आया, आर यू ऑलरेडी वर्किंग ऑन द वीडियो। सारा डीपी देखो, मिया मैडम का डीपी देखो भाई, ऐसी हॉट बंदी किसी वीपीएन कंपनी के लिए कभी काम करेगी क्या। क्लियरली भाई ये कोई इंस्टाग्राम मॉडल लग रही है। मतलब कसम से भाई इसको देख के अपने इंडिया के ठरकी लौंडे ना, लिंक क्लिक तो बहुत छोटी बात है भाई, अपना एड्रेस फोन नंबर सब भेज देंगे, ले लो सब ले लो। और भाई ये पहली बार नहीं है जब मेरा चैनल हैक होने का ट्राई हुआ, पहले भी एक बार मेरा चैनल हैक होने का ट्राई हुआ था 2 साल पहले, और तब तो भाई मैं अखंड था, मैंने लॉगिन कर दिया था और मेरा आईडी पासवर्ड दोनों बंदे के पास चला गया। तो हुआ क्या भाई, तभी मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा था नहीं कोलैबोरेशंस का एंड प्रमोशंस का, एंड तभी मेरा चैनल का नाम हुआ करता था थग लाइफ कंपाइलेशंस, एंड तभी भाई सिर्फ रोजदान वगैरह का प्रमोशंस करता था मैं। तो सोचता था कहीं ना कहीं से भाई कुछ बड़ा कोलैबोरेशन या प्रमोशन आ जाए। तो मेरे को इन महाशय का मैसेज आया, हेलो थग लाइफ कंपाइलेशंस, माय नेम इज सैम, प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड वी कैन टॉक अबाउट द डिटेल। तो भाई मैंने ये देख के बोला ओह पैसा। मैं बोला भाई $1,500 मतलब ₹1,00,000। मैं बोला भाई 1,00,000 दे रहा है। मैं बोला भाई इधर तो लाइफ सेट है,
तो मैं बोला भाई आई एम इंटरेस्टेड, तुम जो बोलो वो मैं करूंगा, मेरे को बस 1,00,000 रुपए दो। तो महाशय का वापस मैसेज आया, वी वुड प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर नॉट येट पब्लिश्ड एप्लीकेशन प्रमोशन वीडियो, सिंस द लॉन्च ऑफ द वीडियो सीक्रेट वी डू नॉट वांट इट टू बी लीक, वी नीड टू वेरीफाई दैट यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ द चैनल, आफ्टर वैलिडेशन वी विल मेक द पेमेंट रेडी। मतलब उसको चाहिए कि उसको पता चले कि मैं राइटफुल ओनर हूं चैनल का, उसके बाद ही वो लोग पेमेंट रेडी करेंगे। तो मैंने बोला भाई हां मैं ही राइटफुल ओनर हूं, तू जल्दी मेरे को वीडियो दे जो डालना है। आर यू करेंटली एबल टू एक्सेप्ट पेमेंट वाया पेपल एंड डाउनलोड और प्रमोशन वीडियो? नहीं मतलब देख रहे हो भाई, सेंटेंस फ्रेम देखो कितने प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं ये लोग। फिर बोलता है वी अपलोडेड द प्रमोशन वाया गूगल ड्राइव नाउ, प्लीज रिक्वेस्ट इट, यू शुड गेट अ वेरिफिकेशन कोड इन अ कपल ऑफ मिनट्स, प्लीज नॉट शेयर द लिंक विद एनी थर्ड यूजर्स सिंस वी डू नॉट वॉन्ट द वीडियो टू बी लीक्ड, थैंक्स। तो भाई ने मेरे को एक वीडियो का लिंक भेजा गूगल ड्राइव पे, भाई मैंने उसको खोला, जैसे नॉर्मल अपन लॉग इन करते वैसे ही लॉग इन का ऑप्शन आया, तो मैंने उस पर लॉग इन किया, अपना आईडी डाला, अपना पासवर्ड डाला, तो मैं बोला आई डिड एंड योर वीडियो डिड नॉट ओपन। तो बोलते डिड यू रिक्वेस्ट इट विद द ईमेल दैट इज लिंक विद योर अकाउंट? तो इधर भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा, हाँ मैं अखंड था लेकिन भाई इतना भी नहीं था। इधर मेरे को समझने लगा कि भाई इधर सीन क्या है और ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने इसको पूछा कि वेर इज योर कंपनी बेस्ड, तो इसने मेरे को बोला स्पेन। और यहाँ पे भाई का सामने से खुद वापस मैसेज आया, वी हैव सेंट यू अ वेरिफिकेशन कोड वाया मैसेज, डिड यू रिसीव इट? तो मैंने बोला यस आई रिसीव्ड इट। तो बोलता है ग्रेट, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, प्लीज रिप्लाई विद द कोड वाया ईमेल टू रिसीव द वीडियो इन पेमेंट। मतलब भाई ये अभी पूरा डेस्परेट होने लग गया, मेरे को कोड चाहिए, कोड चाहिए, जो ये चाहिए। तो इधर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई ये पक्का वाला फ्रॉड है। लेकिन फिर भाई मैंने सोचा कि थोड़े इसके मजे लिए जाए, तो मैंने बोला एक्चुअली नाउ वी वांटेड टू नेगोशिएट ऑन द प्राइसिंग टर्म्स। तो बोलता ओके नो प्रॉब्लम बट वी नीड टू वेरीफाई फर्स्ट दैट दिस इज योर चैनल। तो मैंने भी बोला वी हैव टू पे मनी टू आवर एडिटिंग टीम एंड रॉयल्टी फॉर वीडियोज एज वेल, सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी वुड चार्ज $3,000 फॉर योर डेडिकेटेड वीडियो, इज दैट ओके विथ यू? यस दैट्स फाइन। मतलब बंदा 2,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गया, 2,00,000। वापस उसका सामने से मैसेज आया, द कोड विल एक्सपायर सून, प्लीज रिप्लाई इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज प्लीज रिप्लाई, प्लीज नाउ। तो मैंने दिया रिप्लाई या तो उसका आया रिप्लाई आई गेस यू आर नॉट सीरियस इन कोलैबोरेटिंग। मैंने बोला यस आई एम, आई डोंट वांट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, माय एडिटिंग टीम इज ऑल सेट एंड वांट टू नो हाउ मेनी सेकंड्स ऑफ द प्री रोल वीडियो डू यू रिक्वायर। बोलता आवर प्रमोशन इज 1 मिनट लॉन्ग। तो मैंने बोला 1 मिनट वोंट बी पॉसिबल, सब्सक्राइबर्स को पसंद नहीं आया, 1 मिनट पूरा प्रमोशन करूंगा। बोलता ओके ओके यू कैन एडिट इट टू 20 सेकंड्स, तू मेरे को बस ओटीपी दे। मैंने बोला कूल, कैन यू सेंड मी द वीडियो? We discussed this before. We sent you a last verification code via message to receive the video and payment. Please reply us the code via email. Please भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्त। Is it perfectly safe? तो फिर उसको समझ गया, ये भाई ले रहा है और बोलता है, I see you are not taking it serious. Have a good weekend. मैं बोला, Hey, I am sending you the code. Having a bit of trouble with my Samsung phone here. Please keep the offer while I reboot my phone. तो फिर भाई का reply नहीं आया, तो मैं सोचा चलो इसको सामने से message करे, Hey, is the deal still on? तो बोलता, If you are taking it serious now and reply with the recent code, Yes. तो मैंने बोला, You mean the code I received second time? बोलता, Exactly. तो फिर क्या भाई? फिर मैंने इसको दिया code, G001, go f**k yourself. तो बोलता, Got it, thanks. Payment sent. मतलब कितने हरामी लोग होते हैं भाई दुनिया में, कितने हरामी। मतलब इतने प्रोफेशनल वे में ये लोग मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं कि मतलब कोई अगर स्कूल का बच्चा हो या कोई जूनियर कॉलेज का बच्चा हो जिसने अभी अभी यूट्यूब चैनल खोला हो, वो तो भाई पक्का इनके झांसे में आ जाएगा। और भाई फिर मैंने इसका आईपी एड्रेस निकाला इंटरनेट पे, और भाई का आईपी एड्रेस था पेरिस का। पेरिस सोचो तो आपके दिमाग में आईफिल टावर आता है, और ये उधर बैठ के चैनल हैक कर रहे हैं। तो भाई इसको बोलते हैं फिशिंग, और भाई ये फिशिंग की वजह से अभी बहुत सारे रिसेंटली चैनल हैक हुए थे। ज्ञानी का चैनल हैक हुआ था, पलट तेरा ध्यान की तरह हैक हुआ था, योगी बाबा हैक हुआ था, और भाई बहुत सारे चैनल हैक हुए। एंड भाई लकीली बहुत लोगों के चैनल वापस मिल भी गए यूट्यूब की वजह से। लेकिन भाई अगर तुम लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम लोग को थोड़े टिप्स दे देता हूँ हमारी तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं। एक, पहले तो भाई वेरीफाई करो गूगल पे, वो ऐप है, वो गेम है, जो भी है, वो भाई गूगल पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वो अगर किसी कंपनी से मैसेज कर रहे हो तो वो कंपनी का नेम गूगल पे सर्च करो, वो कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सेकंड भाई, ऐसी डीपी वाले तो कभी प्रमोशन करेंगे ही नहीं, तो भाई वो थोड़ा दिमाग में रखो और थोड़ा हवस कम रखो। और भाई सामने से कभी ये लोग पैसा नहीं बोलते, जैसे कि ये मैडम और ये महाशय 1200-1500 सब देने के लिए तैयार है, भाई बस तुम इनको अपना ओटीपी दो। और भाई गूगल पे हमेशा 2-स्टेप वेरिफिकेशन डाल के रखो, जिसमें अगर तुम लोग कहीं से भी लॉगिन कर दो तो तुम्हारे मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाए। ऐसे तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन भाई इतना भी सेफ नहीं है, क्योंकि भाई 2-स्टेप वेरिफिकेशन तो ये लोग ऐसे चुटकी में पास कर देते हैं, इसलिए तो भाई हैकर है, नहीं तो हैकर होने का क्या मतलब। और खास बात, पैसों की लालच,
पैसों की लालच में किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो और कहीं भी जाके लॉग इन मत करो, क्योंकि वो पेज एकदम गूगल के होम पेज जैसा दिखेगा और तुम लोग को उस टाइम पे कुछ समझेगा नहीं, तुम लोग को लगेगा कि गूगल का ही होम पेज है और तुम लोग उस पर लॉग इन मार के हक दोगे। तो बस भाई ये एक स्टोरी थी, सोचा कि तुम लोग को बता दूं और थोड़ा कंटेंट भी मिल जाएगा व्लॉगिंग चैनल के लिए, और सोचा कि भाई तुम लोग को थोड़े टिप्स दे दूं। लेकिन ये सब बातें नॉर्मली सबको पता होती है, फिर भी चैनल हैक हो जाते हैं। अभी मेरे को पता है लेकिन कोई भरोसा नहीं, मेरा चैनल कल हैक भी हो सकता है। ओके प्लीज हैकर भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज मेरा चैनल हैक मत करना। ओके आई एम वेरी पुअर मैन, वेरी गरीब आदमी। ओके तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब मारो, और भाई मेरा मेन चैनल है थगेश, अगर उस पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उस पर भी सब्सक्राइब मार दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डोंट हैक माय चैनल। ओके प्लीज बाय, पीस आउट।